आप देख रहे हैं शहर शहर रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ दीपाली। अगले आधे घंटे में हमारे रिपोर्टर आपको दिखाएंगे आपके शहर की बड़ी खबर, तो चलिए देखते हैं। मोदी सरकार के दो साल के जश्न का कार्यक्रम होस्ट करने को लेकर हुए विवाद पर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है। अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल को गलतफहमी करार दिया। उन्होंने साफ किया कि वो कार्यक्रम होस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले हिस्से में शामिल हो रहे हैं। अमिताभ ने गर्ल चाइल्ड मिशन के संयुक्त राष्ट्र के अम्बेसडर होने के नाते कार्यक्रम में बुलावा मिलने का दावा किया। अमिताभ ने माधवन को कार्यक्रम का होस्ट बताया है। Which is called Beti Bachao, Beti Padhao. And that's the segment that I've been doing. The actual show is being hosted by Madhavan, I'm not hosting the show. मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर 28 मई को इंडिया गेट पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस ने पनामा लीक्स में नाम आने के बावजूद अमिताभ बच्चन को होस्ट बनाए जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। केंद्र की मोदी सरकार को दो साल पूरे होने के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के कामकाज को 100% नंबर दिए। अमित शाह ने कहा कि दो साल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और सरकार का कदम निर्णायक साबित हुआ। अमित शाह ने मोदी सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की और कहा कि जनधन योजना, मुद्रा योजना और जन सुरक्षा योजना से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। दो साल के बाद आज ये कहने में पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे जरा भी झिझक नहीं है कि हमने एक निर्णायक सरकार देश को देने का काम किया है। जो सरकार फैसले करती है, जो सरकार नीतियां बनाती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी कराती है। अमित शाह ने कहा कि देश में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी भंडार है और हर रोज 16 किलोमीटर राजमार्ग बन रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपना जीडीपी चीन से भी आगे रहा है। आईएमएफ भारत के अर्थतंत्र के लिए काफी आशावादी है। महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में रही है। विदेशी मुद्रा का भंडार आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रहा है तो यहीं पर रहा है। अमित शाह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अभी सरकार के 3 साल बाकी हैं और वो लोगों से किए गए सभी वादों को इन 3 सालों में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास को लेकर गंभीर है। पीएम ने आज मेघालय की राजधानी शिलोंग से नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की, तो वहीं एक नए फुटबॉल स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने आज मेघालय की राजधानी शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 65वें जनरल सेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश का विकास तभी होगा जब इसके सभी क्षेत्रों का विकास होगा। पीएम ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास को तय करने के लिए गंभीर कोशिश कर रही है। A large number of self-help groups are also benefiting to credit linkage by Northeastern Development Financial Institutions with the component of interest subsidy. पीएम ने नॉर्थ ईस्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लोगों से बातचीत के दौरान नॉर्थ ईस्ट के लिए नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत भी की। पीएम ने एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पर्टिकुलरली विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी की यह पहली शिलोंग यात्रा है। लंबे इंतजार के बाद जल्द ही सरकार नई शिक्षा नीति का ऐलान कर सकती है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन और निजी भागीदारी पर ज्यादा जोर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दी। नई शिक्षा नीति में सुझावों के लिए जमीन पर जाकर लोगों से बात की गई, तो साथ ही ऑनलाइन सुझाव भी लिए गए। 29,000 लोगों ने ऑनलाइन सुझाव दिए थे। सूत्रों के मुताबिक नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर फोकस होगा। इसके साथ ही शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए मौजूदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कानून बदले जाएंगे। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। 10वीं तक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के तुरंत बाद ही नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ये काम जल्द ही होगा। कोलकाता में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रगान के दौरान फोन पर बातें करते रहे।
फारूक अब्दुल्ला कोलकाता में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। शपथ ग्रहण के पहले जब राष्ट्रगान बज रहा था तब समारोह में मौजूद फारूक अब्दुल्ला खड़े तो हुए लेकिन अपने मोबाइल पर बात करते रहे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रगान के अपमान की बात को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। राष्ट्रगान में व्यवधान डालने पर 3 साल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। नियम के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े होना जरूरी है। हालांकि फिल्म डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होना जरूरी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कोलकाता के रेड डोर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ममता को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ममता के साथ उनके 41 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ममता ने बंगला में शपथ ग्रहण की। वहीं कुछ मंत्रियों ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली और संथाली भाषा में शपथ ली। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ईश्वर आल्लार नामे शपथ कर যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব। কলকাতা মে হুয়ে মমতা ব্যানার্জি কে শপথ গ্রহণ সমারোহ মে এসএল গ্রুপ কে চেয়ারম্যান ডক্টর সুভাষ চন্দ্রা ভি শামিল হুয়ে। দোবারা মুখ্যমন্ত্রী বননে পর উন্হোনে মমতা ব্যানার্জি কো বধাই দি। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और मशहूर वकील राम जेठमलानी पार्टी के कोटे से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी के बजाय बेटी मीसा भारती को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इससे पहले चर्चा थी कि राबड़ी देवी राज्यसभा जाएंगी। इसके साथ ही मशहूर वकील राम जेठमलानी पार्टी के कोटे से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। दोनों 30 मई को नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार पार्टी टिकट पर मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन भाजपा के रामकृपाल यादव से हार गई थी। रामकृपाल यादव राजद के वरिष्ठ नेता थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। लालू प्रसाद यादव ने दोनों के नाम पर मुहर लगा दी है। मीसा भारती के उम्मीदवार चुने जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि एक बार फिर से विवादों में है। पतंजलि पर विज्ञापनों में गलत दावे करने और दूसरी कंपनी के उत्पादों को खराब साबित करने के आरोप है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCII और ग्राहकों की शिकायतों की सुनवाई करने वाली परिषद यानी CCC को पतंजलि के खिलाफ शिकायतें मिली थी जिसके बाद इन दोनों संस्थाओं ने रामदेव और पतंजलि को फटकार लगाई है। दोनों संस्थाओं का कहना है कि रामदेव अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। पतंजलि के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, अमेजोन और ITC के खिलाफ भी शिकायत है। पतंजलि के जिन उत्पादों के खिलाफ शिकायत मिली है उसमें पतंजलि का कच्ची घानी सरसों का तेल शामिल है। इसके अलावा पतंजलि के केश कांति तेल के खिलाफ भी शिकायत मिली है। पंजाब के लुधियाना में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अकाली दल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपना विरोध जताने लुधियाना की सड़कों पर उतरी। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के पास हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेसी नेता रवनीत सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी है। बजरंग दल के कैंप को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। नोएडा में भी बजरंग दल का एक कैंप लगाया। दिल्ली के पास नोएडा में बजरंग दल के कैंप में बच्चों को हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई। नोएडा के स्कूल में बजरंग दल के सैकड़ों सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए। कैंप में तलवार बंदूक के साथ सदस्यों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। हमारा पूरे देश का एक ही पैटर्न है, वहाँ क्या हुआ होगा उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे देश का एक ही सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ चल रहा है, पूरे देश में वही सिलेबस। तलवारबाजी के अलावा राइफल कैसे है का इस्तेमाल कैसे हो ये सब उसमें सिखाया जा रहा है। उसमें यहाँ गन का सिर्फ निशानेबाजी और उसकी सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। कांग्रेस ने कैंप में हथियारों की दी जा रही ट्रेनिंग को देश और खासकर यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया है।
आगे चलकर दंगों की शक्ल इख्तियार करना इसका यकीनी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को और सेंटर की सरकार को इमीडिएट इसका संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी। वहीं जेडीयू बच्चों को खुलेआम दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग को सही नहीं मानती। एक तो समाज में विष भमन किया जाए और दूसरा कि सेकुलर फोर्सेस को जहां तक हो सके एकजुट नहीं होने दिया जाए, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का विपक्ष का तरीका बता रही है। चुनाव का पीरियड आ गया है तो ऐसी स्थिति में ये नहीं चाहते हैं प्रदेश के अंदर शांति रहे। मुस्लिम वोट बैंक कैसे हमारे पक्ष में आए इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये इनका संवैधानिक अधिकार है और ना ही इसमें किसी तरह की पुलिस परमिशन की जरूरत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि हंदवाड़ा हत्याओं के मामले में न्यायिक जांच की जाए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जारी बजट सेशन में आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों के विधायकों ने अपनी बेंचों पर खड़े होकर राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में शुरू हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस और निर्दलीय सदस्यों ने भी हंदवाड़ा एनकाउंटर मामले की न्यायिक जाँच और रिपोर्ट की मांग की। इस दौरान नारेबाजी करते विधायक वेल में भी पहुँच गए, जिसके बाद सदन के भीतर मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ा। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। पिछले महीने हंदवाड़ा में सेना के एक जवान पर यौन उत्पीड़न का कथित आरोप लगने के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में 5 लोगों की मौत हो गई थी। विधायकों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुद्दे पर भी हंगामा किया। इससे पहले भी गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बारामूला में सेना ने एक घर में छिपे 2 आतंकियों को घर समेत उड़ा दिया, तो वहीं कुपवाड़ा में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा में एक जवान भी शहीद हो गया। सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुछ इस तरह 2 आतंकियों को ब्लास्ट कर घर समेत उड़ा दिया। आज सुबह से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बारामूला के कुंजेर इलाके में मुठभेड़ चल रही थी। 2 आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। सेना ने बम धमाका कर उन्हें मार गिराया। हालांकि इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान जख्मी हो गया है। वहीं कुपवाड़ा के नौगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया है। वी ऑफर्ड द मिलिटेंट्स सरेंडर बट इंस्टेड दे फायर्ड अपॉन द सर्चिंग पार्टीज। वी हैव कोऑर्डिनेटेड टारगेट हाउस जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे और वहीं से फायर भी आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं। गुरुवार को पुलवामा में संदिग्ध आतंकियों ने 50 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर ग्रेनेड हमला किया था। वहीं बुधवार को श्रीनगर में आतंकियों ने 2 पुलिस टीम को निशाना बनाया था। पंजाब में एक एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। एनकाउंटर में 24 साल के कबड्डी प्लेयर की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि साथियों के साथ जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। दिलचस्प बात ये है कि मारे गए कबड्डी प्लेयर के खिलाफ पहले से ही कोई आपराधिक मामला ही नहीं है और उसके नाम पर कोई लाइसेंसी गन भी नहीं है। शूटआउट में मारे गए युवक का नाम अजमेर सिंह जिम्मी है। पुलिस के मुताबिक बठिंडा CIA को बुधवार रात सूचना मिली थी कि स्विफ्ट कार में गैंगस्टर रंजीत राणा शराब तस्करी कर रहा है। इस कार का इस्तेमाल राणा ने साल 2014 में गैंगस्टर राजीव राजा को भगाने में भी किया था। CIA ने वायरलेस पर अलर्ट कर मैसेज कर दिया। इसके बाद कार्रवाई हुई और शूटआउट में एक शख्स मारा गया। सूत्रों के मुताबिक जिम्मी को गोली मारने के बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही छोड़ दिया। जी मुंडा ये तो गया ते सॉरी गया सी। अच्छा। सॉरी गया ते एदी गड्डी हो गई खराब। ए जी उन्होंने ए हजे आया ही है ते उन्होंने इनु कट के जा कड्या जाए उतरया उतर दे दे एथे गोली मारी। जिस गाड़ी में पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे वो बठिंडा में एक शराब कंपनी के ठेकेदार के नाम पर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस वाले उस गाड़ी में क्या कर रहे थे। इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुवार को बस में हुए विस्फोट के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा धमाके की जांच में अब NIA SIT की मदद करेगी। मामले की जांच के लिए ADGP शत्रुजीत सिंह की अगुवाई में SIT बनाई गई है, जिसकी मदद के लिए NIA की टीम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच हरियाणा की IB यूनिट की टीम कुरुक्षेत्र में धमाके वाली जगह पर पहुंचकर कई सबूत भी इकट्ठे किए हैं। टीम के एक्सपर्ट्स ने बस के अंदर फॉरेंसिक सैंपल्स इकट्ठे किए हैं,
दूसरी ओर पुलिस ने धमाकों में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई है। पुलिस को मौके से 12 वोल्ट की एक जली हुई बैटरी और कुछ तार भी मिले हैं। हालांकि इससे पहले खुद कुरुक्षेत्र के एसपी ने इस बस धमाके को लेकर आतंकी हमले की तरफ इशारा किया था। उन्होंने धमाके में आईईडी के इस्तेमाल की बात कही थी। एक तो बैटरी रिकवर हुई है और कुछ सर्किट का सामान भी रिकवर हुआ है जो आईईडी का। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में पता लग गया है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने यहाँ पे प्लांट किया। आपको बता दें कि गुरुवार को सोनीपत से चंडीगढ़ की तरफ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस में धमाका हुआ था। उस वक्त बस में 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 से 9 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार की तारीफ करना एक कलेक्टर को भारी पड़ गया। फेसबुक वॉल पर नेहरू गांधी परिवार की तारीफ करने पर बड़वानी के डीएम अजय गंगवार को सरकार ने डीएम के पद से हटा दिया है। डीएम अजय गंगवार को मंत्रालय में उप सचिव पद पर तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव अंटोनी डीसा ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से गंगवार की फेसबुक वॉल पर की गई टिप्पणी को लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। देर शाम गंगवार को हटाने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और रात 9 बजे उन्हें हटाने का आदेश दे दिया गया। कलेक्टर पर कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सही ठहरा रही है। दो दिन पहले डीएम अजय गंगवार ने अपनी फेसबुक वॉल पर नेहरू गांधी परिवार की जमकर तारीफ की थी, जबकि बीजेपी पर अपरोक्ष रूप से निशाना साधा था। बड़वानी कलेक्टर को जो हटाया गया है वो बिल्कुल सही कदम है। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने सवाल किए, मुद्दा यह है कि उन्होंने सर्विस रूल का और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। किसी भी इस स्तर के अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है कि नेहरू जैसे स्टेट्समैन के बारे में अगर कोई शब्द बोलता है अच्छे, उसका ट्रांसफर कर देना और उसका डिमोशन करना, ये मेरा ख्याल है पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बताया जा रहा है कि डीएम अजय गंगवार ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार की शिक्षा नीति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की थी। हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने एक विवादास्पद बयान दिया है। डीजीपी का कहना है कि आम नागरिक को जान का खतरा पाने पर कानूनन हमलावर की जान लेने का अधिकार है। एक कार्यक्रम के दौरान केपी सिंह ने कहा कि अगर कोई आप पर या आपके सामने किसी पर हमला करता है और जान लेने की कोशिश करता है, तो आपको हक है कि अपनी जान बचाने के लिए आप उसको मार डालें। डीजीपी ने कहा कि ये सुविधा कानून में दी गई है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। साथ ही डीजीपी ने ये भी कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए मौजूद जरूर है, लेकिन आम आदमी को भी अपनी भूमिका समझने की जरूरत है। अगर कोई किसी के घर, मकान, दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले। नागरिकों को पता नहीं, केवल पुलिस वाले का ये अधिकार नहीं। अगर आपके सामने कोई किसी मां बहन की बेइज्जती कर रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को घर, मकान, दुकान जला रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है। हरियाणा के डीजीपी ने हालांकि कानून की बारीकी ही आम लोगों को बताई है, लेकिन उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो सकता है। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ अपने जवानों की परेशानियों का ख्याल रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब नवविवाहित जवान अपनी पत्नियों के साथ बॉर्डर पर तैनात किए जा सकेंगे। बीएसएफ हेडक्वार्टर की ओर से तैयार की गई एक योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात नवविवाहित जवानों को शुरुआती तौर पर कम से कम एक साल के लिए अपने परिवार के साथ बॉर्डर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना के तहत सीमा पर कमांड कार्यालयों के आसपास जवानों के लिए घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान की सीमाओं से की जा रही है। मेरा ये मानना है, हमारे सीनियर अफसर्स का भी मानना है कि पहले एक दो साल में ही आपकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जो भी आपके विचार हैं, आपकी राय है, जो कुछ भी है, सोचने का तरीका शुरू में बन सकता है। तो अगर शुरू में उनको साथ रहने का मौका मिले तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी और हमारे जवान अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन और अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि जो फैसिलिटी उनको मिल रही है, मेरा ये मानना कोई भी जवान, यहाँ तक कि कोई अधिकारी है, ऐसी फैसिलिटी को प्राप्त करने की और बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटी करेगा। शुरुआती चरण में नवविवाहित जवान करीब एक साल तक अपने परिवार को सीमा पर साथ रख सकेंगे। इसके लिए आसपास के गांवों को भी चिन्हित किया गया है। दिल्ली में एक नाबालिग लड़के के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। ये मामला
दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके का है। आरोप है कि स्कूटर पर बैठने को लेकर 16 साल के नाबालिग लड़के की जमकर पिटाई की गई और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि इलाके के ही 5 लड़कों पर लगे हैं। आरोप ये भी है कि आरोपियों ने न सिर्फ नाबालिग के कपड़े उतारकर उसकी पिटाई की बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल और मिर्च भी डाली। इतना ही नहीं, नाबालिग की पिटाई का वीडियो बनाकर आरोपियों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। नाबालिग के घर वालों के मुताबिक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो देखने के बाद बच्चे ने सुसाइड की भी कोशिश की। जब पकड़े गए हैं, जब असॉल्ट की बात है, तो अगर जो कोई भी अगर कंप्लेन आएगा, चाहे पेरेंट्स करें या बच्चा करे, उसमें तो कोई सेक्शन ना लगाने की या किसी तरह का रिलीफ देने की बात ही नहीं है। एंड मोर देन अबव ऑल, इफ ही सेज दैट यस सेक्सुअल असॉल्ट इज देयर, देन वी आर गोइंग टू ऐड दोस सेक्शंस एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड एज पर द फ्रेश एडेंडम एज वेल। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उत्तर प्रदेश के महोबा में पत्थर खदान में विस्फोट से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह पत्थर खदान घनी आबादी के बीच चल रही थी और आज यहां पर विस्फोटक के जरिए पत्थर निकाले जा रहे थे। इसी दौरान पत्थर खदान में जोरदार विस्फोट हुआ और उसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और शवों को निकाला। फिलहाल पत्थर खदान के पट्टे की जांच हो रही है। अगर ये पट्टा गलत पाया गया तो खदान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है।